आज की क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं आर्टिकल 21A से, है ना। जो आर्टिकल 21 के केस लॉज हैं वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, दैट विल बी सफिशिएंट। सो आर्टिकल 21A रिलेट्स टू द राइट टू एजुकेशन। Relates to right to education. The state shall provide free and compulsory education to all children of the age of 6 to 14 years in such manner as the state may by law determine. तो यहाँ पे दो वर्ड आए हैं। यहाँ पे एक स्टेट तो ये है, that is representing the state defined under Article 12. Article 12 has also defined the word state, which includes parliament, legislature, government and all, center and state and local bodies, etc. And here this second state word mean the state which have been divided on a politically basis. Now the thing is, this free and compulsory education is to be provided to the age group of 6 to 14 years. जो भी बच्चा 6 से 14 साल के बीच का है, उसे उसका ये अधिकार होगा कि स्टेट उसकी एजुकेशन के लिए अरेंजमेंट करे। और इसी का रीजन है कि अगर आप गवर्नमेंट स्कूल्स में देखेंगे तो गवर्नमेंट स्कूल्स में एजुकेशन भी फ्री है, प्लस जो स्टडी मटेरियल है, बुक्स एंड ऑल, दैट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट together with the midday meals facility and all, there are lot of arrangements done in the government schools. ये एक state की responsibility रहेगी। आपको ध्यान होगा right to education पहले directive principles का part हुआ करता था, and after the amendment of this amendment was made in 2002 and it was effective from 2010. This was added to one of the fundamental right as a right to education. It is written here, is inserted by constitutional 86th amendment act 2002. तो 2002 के अमेंडमेंट के थ्रू इसको ऐड किया था, लेकिन ये जो इफेक्ट में आया था वो 2010 से आया था, राइट टू एजुकेशन का। सो दिस वाज आर्टिकल 21A। आर्टिकल 22 काफी इंपॉर्टेंट है। इट टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये। अगर किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो उसके क्या राइट्स होंगे, इसके कंसर्न में बात करता है आर्टिकल 22। उस पर्सन को हमें विद इन 24 आवर्स मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट होना चाहिए, वो पर्सन, अरेस्टेड पर्सन, उसे उसके राइट्स के बारे में बताया जाना चाहिए, क्योंकि एक लेमैन कहाँ अपने राइट्स के बारे में जानता है कि उसको लॉ में क्या क्या अधिकार मिले हुए हैं। सो इन ऑल दीज कंसर्न आर्टिकल 22 डील्स अबाउट प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन in certain cases. No person who is arrested, word no person likha hai, it means applies to citizen as well as non-citizen both. No person who is arrested shall be detained in custody without being informed as soon as may be. To custody mein nahi rakha jayega, without being informed, kise inform kiye bina, as soon as may be of the grounds फॉर सच अरेस्ट। तो उसके पहले तो उसके ग्राउंड, किस वजह से उसको अरेस्ट किया जा रहा है, ये बात उसे बताई जानी चाहिए। नॉर शैल ही बी डिनाइड द राइट टू कंसल्ट, किसे, टू द लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस। तो उसे एक लीगल प्रैक्टिशनर से कंसल्ट करने का भी प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए, और अगर वो किसी का नेम बताता है तो उसी एडवोकेट को बुला के उससे मिलवाया जाए। तो यहाँ पे सबसेक्शन 1 में तो क्या बात है, ये पहली बात, ये सिटीजन एंड नॉन सिटीजन दोनों पे एप्लीकेबल होगा।
देन दूसरी बात आती है कि जब किसी को अरेस्ट किया जाता है तो उसे ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताया जाए कि आपको किस वजह से अरेस्ट किया जा रहा है। देन थर्ड आती है इसमें बात कि उस पर्सन को, अरेस्टेड पर्सन को, एक लीगल प्रैक्टिशनर से मिलने का और उससे कंसल्ट करने का प्रॉपर राइट्स है। आर्टिकल 22 क्लॉज 2 देखिए क्या कहता है, एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन इन कस्टडी शैल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ सच अरेस्ट एक्सक्लूडिंग द टाइम नेसेसरी फॉर जर्नी फ्रॉम द प्लेस ऑफ अरेस्ट टू द कोर्ट ऑफ द मैजिस्ट्रेट एंड नो सच पर्सन शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी बियॉन्ड द सेट पीरियड विदाउट द अथॉरिटी ऑफ मैजिस्ट्रेट। इसका मतलब क्या है, विद द अथॉरिटी ऑफ मैजिस्ट्रेट पर्सन को रखा जा सकता है 24 आवर्स से ज्यादा भी, लेकिन विदाउट द अथॉरिटी ऑफ द मैजिस्ट्रेट 24 आवर्स से ज्यादा नहीं रखा जा सकता। इसमें अगर कोई प्लेस ऑफ अरेस्ट से लेकर कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट तक के बीच में ट्रेवल का टाइम लग रहा है उसे एक्सक्लूड किया जाएगा। द रीजन इज इट मे बी पॉसिबल मेनी टाइम्स इट हैपेंस दैट द प्लेस ऑफ अरेस्ट इज सो फार फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट कोर्ट दैट इट टेक्स द टाइम ऑफ मोर देन 24 आवर्स। एक सिटी से दूसरे सिटी तक ले जाने में ही 24 आवर्स से ज्यादा का टाइम लग जाता है, ट्रेवल टाइम जिसको आप कह सकते हैं, ट्रांजिट टाइम जो है, तो वो एक्सक्लूड किया गया है। बाकी पर्सन को डिटेंशन में 24 आवर्स से ज्यादा नहीं रखा जा सकता। आर्टिकल 22 क्लॉज 3 बताता है, नथिंग इन क्लॉज 1, क्लॉज 1 में मेनली क्या था, एक तो ग्राउंड्स बताए जाने हैं और प्लस लीगल प्रैक्टिशनर से मिलवाना है। क्लॉज 2 क्या कहता है, 24 आवर्स से ज्यादा नहीं रखना है। नथिंग इन क्लॉज 1 एंड 2 शैल अप्लाई, किस पे अप्लाई नहीं होगा, टू एनी पर्सन हु फॉर द टाइम बीइंग इज एन एनिमी एलियन, यानी कि कोई दुश्मन दुश्मन देश से संबंधित कोई व्यक्ति है, कोई एनिमी एलियन है, किसी ऐसे ऐसे राज्य से, ऐसे किसी देश से, कंट्री से बिलोंग करता है जो कि हमारे एनिमी में आता है, दुश्मन में आता है। तो अभी तो हम खैर चाइना और पाकिस्तान का नाम ले ही सकते हैं। देन टू एनी पर्सन हु इज अरेस्टेड और डिटेन्ड अंडर एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब ये वर्ड प्रिवेंटिव डिटेंशन सुना है आप लोगों ने, क्या बोल रहा है ये, कि पर्सन को उसके लीगल प्रैक्टिशनर से मिलने का, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताने का, 24 आवर्स से ज्यादा उसको नहीं रख सकेंगे, इन बातों का इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन किया जा रहा। तो देखिए दो तरह का डिटेंशन रहता है, एक होता है प्यूनेटिव डिटेंशन, दूसरा होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्यूनेटिव डिटेंशन तो क्या होता है, जब पर्सन को अरेस्ट किया जाता है उसका ऑब्जेक्ट क्या है कि इसके अगेंस्ट में कोई चार्जेस हैं और अब इसके ऊपर ट्रायल चलेगा, और ट्रायल चलने के बाद में अगर वो चार्जेस प्रूव होते हैं तो पर्सन को पनिशमेंट दिया जाएगा, इसको सेंटेंस किया जाएगा विद द इम्प्रिजनमेंट और वॉट एवर काइंड ऑफ पनिशमेंट। इट मीन्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्यूनिटिव डिटेंशन इज टू ग्रांट पनिशमेंट। लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है, प्रिवेंटिव डिटेंशन का यह है कि इस पर्सन के अगेंस्ट में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिली थी कि यह कहीं पे किसी तरह का ब्रीच ऑफ पीस कर सकता है या किसी भी कोई अदर कोई ऑफेंस परफॉर्म कर सकता है, तो एडवांस में ही उस ऑफेंस के कमीशन के प्रिवेंशन के लिए, आई रिपीट, फॉर द प्रिवेंशन ऑफ कमीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑफेंस, हमने पर्सन को अरेस्ट कर लिया, डिटेन कर लिया और उसको कस्टडी में रख दिया जब तक कि उसका वो ऑफेंस कमीशन का जो चांसेस है वो खत्म नहीं हो जाते। पर्सन को के ऊपर कोई ट्रायल चलाने की जरूरत नहीं है, पर्सन को पनिशमेंट देने का कोई हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रिवेंशन ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस। तो ये होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो कई बार ऐसा होता है कि कई जहाँ पे कोई ज्यादा उपद्रवी लोग होते हैं और लगता है कि ये किसी तरीके को ब्रीच ऑफ पीस वगैरह कर सकते हैं, तो उनको उठा के बंद कर दिया जाता है, 2 दिन 4 दिन रखेंगे, फिर लगता है कि अभी माहौल शांत हो चुका है, फिर उनको छोड़ दिया जाएगा।
तो ऐसे में फिर ये चीज अप्लाई नहीं होगी। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रिवेंशन ऑफ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। प्यूनिटिव डिटेंशन का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? फॉर ट्रायल एंड पनिशमेंट्स टू द पर्सन अरेस्टेड। तो यहां पे बात यह आता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन जो होगा उसके ऊपर क्लॉज वन यानी कि लीगल प्रैक्टिशनर से मिलना, उसको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट के लिए बारे में इन्फॉर्म करना, क्लॉज टू 24 आवर्स से ज्यादा नहीं रखा जाना, ये बातें अप्लाई नहीं होंगी प्रिवेंटिव डिटेंशन पे। क्लॉज फोर देखिए क्या क्या कहता है, नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में जिस भी लॉ में कहीं कोई बताया गया है, शेल ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ द पर्सन फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन 3 मंथ्स। तो अब ये भी एक बात आ जाती है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन कितना हो सकेगा, तो उसके लिए क्लॉज फोर बताता है कि 3 महीने से ज्यादा नहीं होगा। लेकिन उसमें भी एक प्रोविजो है कि अगर कुछ स्पेशल सर्कमस्टांस है तो उस सिचुएशन में, ठीक है, 3 मंथ से ज्यादा का नहीं होगा, अनलेस एन एडवाइजरी बोर्ड कंसिस्टिंग ऑफ पर्सन हु आर और हैव बीन और आर क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ अ हाई कोर्ट हैज रिपोर्टेड बिफोर द एक्सपायरेशन, हैज रिपोर्टेड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द सेट पीरियड ऑफ 3 मंथ्स दैट देयर इज इन इट्स ओपिनियन सफिशियंट कॉज फॉर सच डिटेंशन। तो वैसे तो 3 महीने से ज्यादा नहीं होगा, लेकिन अगर वो 3 महीने का टाइम पीरियड पूरा होने से पहले, कंप्लीट होने से पहले एडवाइजरी बोर्ड, अगर कोई एडवाइजरी बोर्ड फॉर्म जो किया गया है और वो एडवाइजरी बोर्ड क्या करता है, ऐसे टाइम पीरियड के कंप्लीट होने से पहले रीजंस प्रेजेंट करता है, अपना ओपिनियन प्रेजेंट करता है कि इस पर्सन का डिटेंशन अभी और कंटिन्यू किया जाना जरूरी है, एंड इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ मेंटेनिंग पीस एंड ऑल। लेकिन इस एडवाइजरी बोर्ड में एक पर्सन जज ऑफ द हाई कोर्ट के कैडर का होना चाहिए, मस्ट बी ऑफ अ कैडर ऑफ जज ऑफ अ हाई कोर्ट। ऐसे नहीं कि कोई भी मिला के बना दिया जाए, ये जो एडवाइजरी बोर्ड है इसमें जज ऑफ हाई कोर्ट के कैडर का पर्सन रहना चाहिए, और वो अगर ऐसा करता है कि इसको कंटिन्यू किया जाए, तो एक इनडायरेक्ट वे में देखा जाए तो क्या हो रहा है, जज के सामने जज ही उसका डिसीजन ले रहा है, एक्सटेंड कर रहा है उसके डिटेंशन को, ठीक है, इनडायरेक्टली तो वही हो गया, कोर्ट में ना सही एडवाइजरी बोर्ड के थ्रू सही, लेकिन जज ही उसके डिटेंशन को एक्सटेंड कर रहा है, एक्सीड कर रहा है, तो वो चीज ये आ जाती है, बस वो 3 मंथ से ज्यादा एक्सीड हो सकेगा। फिर प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सब क्लॉज शैल ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ एनी पर्सन बियॉन्ड द मैक्सिमम पीरियड प्रिस्क्राइब्ड बाय एनी लॉ, मैक्सिमम पीरियड प्रिस्क्राइब्ड बाय एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट अंडर सब क्लॉज बी ऑफ क्लॉज 7। तो जो भी लॉ इस कंसर्न में बना है, जो भी पीनल लॉ इस कंसर्न में बना है फॉर द प्रिवेंटिव डिटेंशन, उसमें जो मैक्सिमम पीरियड लिखा है उस मैक्सिमम पीरियड से ज्यादा तो फिर भी नहीं हो सकेगा। यानी एडवाइजरी बोर्ड की परमिशन मिलने के बाद में भी, एडवाइजरी बोर्ड के ओपिनियन के बाद में भी, वो उस लॉ में जो मैक्सिमम पीरियड मेंशन है उससे ज्यादा तो नहीं हो सकेगा, बाकी जनरल सेंस में 3 मंथ्स तक का रहेगा। फर्दर देखिए क्या लिखता है, सच पर्सन इज डिटेन्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट अंडर सब क्लॉज 1 और बी ऑफ क्लॉज 7। यानी कि 3 मंथ से ज्यादा नहीं हो सकेगा पर्सन का डिटेंशन, अनलेस या तो एडवाइजरी बोर्ड इस बात के बारे में अपनी ओपिनियन दे दे, और या फिर जो एनी लॉ फॉर द टाइम बींग इन फोर्स है, इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट है, और उस लॉ में कोई ज्यादा टाइम पीरियड मेंशन हो, स्पेसिफाइड हो। क्लॉज 5, व्हेन एनी पर्सन इज डिटेन्ड इन परसुएंस ऑफ एन ऑर्डर मेड अंडर एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन द अथॉरिटी मेकिंग द ऑर्डर शैल। तो अगर कोई पर्सन जो डिटेंशन में रखा जा रहा है, कौन सा, प्रिवेंटिव डिटेंशन में, एज पर द लॉ, एज पर द प्रोविजन ऑफ द लॉ, एज सून एज मे बी कम्युनिकेट टू सच पर्सन द ग्राउंड्स ऑन विच द ऑर्डर हैज बीन मेड
and shall afford him the earliest opportunity of making representation against the order. तो ऐसे में ये भी पूरी तरह से arbitrariness नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है? इसमें भी person को कम से कम ये तो बताया जाए कि भी हमने आपको क्यों arrest किया है और क्यों हम detention में रख रहे हैं. क्यों डिटेंशन में रख रहे हैं? तो ऑब्वियसली किसी तरह का ऑफेंस वगैरह कमिट ना किया जाए आपकी तरफ से, इसलिए हम आपको डिटेंशन में रख रहे हैं. प्रिवेंटिव पॉइंट ऑफ व्यू से किसी तरह का आगे आपको पनिशमेंट नहीं देना, आपके आगे इसमें कोई ट्रायल नहीं चलेगा. लेकिन जब उस पर्सन को आपने डिटेंशन में रखा है, ट्रायल आप नहीं चला रहे हैं, तो डिफेंड उसे नहीं करना है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन का तो उसको चांस मिलना ही चाहिए. वो कम से कम अपने साइड तो प्रेजेंट कर सके कि भाई आप मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हैं, मैं किसी तरह का ब्रीच ऑफ पीस करूंगा, लेकिन मुझसे आपको ऐसा कोई खतरा नहीं है. अपना साइड प्रेजेंट करने का प्रॉपर अपॉर्चुनिटी उस पर्सन को मिलना चाहिए. क्लॉज सिक्स, नथिंग इन क्लॉज फाइव शैल रिक्वायर द अथॉरिटी मेकिंग एनी सच ऑर्डर एज इज रेफर्ड टू इन दैट क्लॉज टू डिस्क्लोज फैक्ट्स which such authority considers to be against the public interest to disclose. अब यहाँ पे क्लॉज 5 में तो क्या कहा था कि उसको grounds of arrest और grounds of preventive detention वो सब बताए जाए, लेकिन उस अथॉरिटी को, जो अथॉरिटी ने जिसने उसको डिटेंशन में रखा है, उस अथॉरिटी को अगर ऐसा लगता है कि ये grounds बताया जाना, इस पर्सन को ये grounds बताया जाना पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, तो फिर वो भी नहीं बताया जाए. वो भी पॉसिबल है कि उसको ना बताया जाए. आप लोगों को ध्यान होगा कि जब जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 रिमूव करके उसको, उसके प्रोविजंस को रिमूव करके, और जब दोनों एक स्टेट को दो यूटी में कन्वर्ट किया गया था, तो वहां के पॉलिटिकल पार्टीज के जो मेन लीडर थे उन लोगों को डिटेंशन में रखा गया था. और क्या ऑब्जेक्ट था? कि ये एक था कि हो सकता है कि ये लोग अपनी पॉलिटिकल पावर का यूज करके उस एरिया में किसी तरह का कोई ब्रीच ऑफ पीस करें, इस वजह से उनको रखा गया था. सो दैट इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन. बाद में ऐसा नहीं है कि उनके अगेंस्ट में कोई ट्रायल चलना है, उनको कोई पनिशमेंट देना है, जेल में भेजना, नहीं, जस्ट अ डिटेंशन फॉर द प्रिवेंटिव पर्पसेस. तो क्लॉज 6 क्या बोलता है कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट में हो तो उनको फिर ग्राउंड्स बताया जाना भी कोई जरूरी नहीं रह जाता है. अब आता है क्लॉज नंबर 7, जिसकी बात क्लॉज 4 में भी किया गया था. क्लॉज 4 जिस केस से डील कर रहा था कि पर्सन को 3 मंथ से एक्सीडिंग पीरियड के लिए अगर रखा जाता है, तो या तो एडवाइजरी बोर्ड अपने ऐसे ओपिनियन दे, या फिर किसी लॉ इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट में, मेड बाय पार्लियामेंट में ऐसा कुछ लिखा हुआ हो, तो उसके लिए क्लॉज 7 आता है. द सर्कमस्टांसिस अंडर विच एंड द क्लास और क्लासेस ऑफ केसेस इन विच अ पर्सन मे बी डिटेन्ड फॉर अ पीरियड लॉन्गर देन 3 मंथ्स. पहली बात तो कौन से केस में, किन सर्कमस्टांसिस में पर्सन को 3 मंथ से ज्यादा रखा जा रहा है. अंडर एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन विदाउट ऑब्टेनिंग द ओपिनियन ऑफ एडवाइजरी बोर्ड, और ऐसा डिटेंशन 3 मंथ से ज्यादा बिना एडवाइजरी बोर्ड के ओपिनियन के बिना रखा जा रहा है, विद द प्रोविजंस ऑफ सब क्लॉज ए ऑफ क्लॉज 4. तो सब क्लॉज ए ऑफ क्लॉज 4 में क्या लिखा है? सब क्लॉज ए ऑफ क्लॉज 4 में यही तो लिखा था, एडवाइजरी बोर्ड फॉर्म होना चाहिए जिसमें जो पर्सन है कम से कम जज ऑफ द हाई कोर्ट की कैडर का उसमें रहना चाहिए. तो वो एडवाइजरी बोर्ड की परमिशन से आप उसको 3 मंथ से एक्सीडिंग पीरियड के लिए रख सकोगे. लेकिन क्लॉज 7 क्या बोल रहा है? एडवाइजरी बोर्ड के परमिशन या एडवाइजरी बोर्ड के ओपिनियन के बिना ही पर्सन को 3 मंथ से एक्सीडिंग के लिए अगर डिटेंशन में रखा जा रहा है, तो कौन से केसेस में और कौन सी सर्कमस्टांसिस में ऐसा किया जा रहा है, ये बात बताया जाना जरूरी है या कंसिडरेशन में लेना जरूरी है. कहां पे बताई जाएगी ऐसी बातें, कहां प्रिस्क्राइब की जाएंगी? उस लॉ में. कौन से लॉ में? जो लॉ पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया है फॉर दिस पर्पस. तो उस लॉ में लिख दिया जाएगा कि बिना एडवाइजरी बोर्ड के ओपिनियन के भी पर्सन को 6 मंथ्स के लिए, 1 ईयर के लिए डिटेंशन में रखा जाएगा, और ऐसा कौन कौन से सर्कमस्टांसिस में किया जाएगा, तो वो उसमें मेंशन किया जाएगा, और कौन से केसेस में किया जाएगा, कौन से ऑफेंसेस के लिए किया जाएगा, किस कंडीशंस में, वो सब चीजें. द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच एनी पर्सन मे इन एनी क्लास और क्लासेस ऑफ केसेस डिटेन्ड अंडर एनी लॉ फॉर द प्रिवेंटिव डिटेंशन.
पहली बात तो उसमें क्या बोल रहा है कि सर्कमस्टांसेस बताई जाए अंडर विच द पर्सन इज टू बी कैप्ट। दूसरी बात बोल रहा है मैक्सिमम पीरियड उस लॉ में बताया जाए कि मैक्सिमम पीरियड कितने टाइम के लिए रखा जाएगा वो मेंशन किया जाए। तीसरी बात बोल रहा है द प्रोसीजर टू बी फॉलोड, प्रोसीजर बताया जाए टू बी फॉलोड बाय एन एडवाइजरी बोर्ड इन एन इंक्वायरी अंडर क्लॉज ए ऑफ क्लॉज 4। तो अगर एडवाइजरी बोर्ड कोई इंक्वायरी करना चाहता है, कंडक्ट करना चाहता है, तो उसके लिए प्रोसीजर भी स्पेसिफाइड किया जाए। तो क्लॉज 7 तीन बातें बता रहा है, पार्लियामेंट इस कंसर्न में, किस कंसर्न में, प्रिवेंटिव डिटेंशन के कंसर्न में अगर कोई लॉ बनाता है तो उस लॉ में ये तीन चीजें जरूर मेंशन होनी चाहिए कि पर्सन को 3 मंथ से ज्यादा के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन में कौन से सर्कमस्टांसिस में रखा जाएगा, कौन से केस क्लास ऑफ केसेस में रखा जाएगा, मैक्सिमम पीरियड उसका प्रिवेंटिव डिटेंशन का कितना हो सकेगा, और प्लस एडवाइजरी बोर्ड के लिए एक प्रोसीजर क्या फॉलो उनको करना है वो एस्टेब्लिश उसमें किया जा सकेगा। ये था क्लॉज 7। तो यहाँ पे हमारा राइट टू, यहाँ पे हमारा आर्टिकल 22 कंप्लीट होता है विच वॉज रिलेटेड टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिटेंशन एंड अरेस्ट। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस वाला ये कंप्लीट होता है। और आज की क्लास को भी हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। किसी के माइंड में कोई क्वेरी, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं।